In the field of science and technology, many inventions took place. Mechanization in the field of production resulted in the increase of size of business unit. For each function, the needs arises for different specialists. Due to this reason, specialization in the business unit necessitated high capital investment in the business unit. It is impossible for one group of people in investment of capital and take risk. As a result, company form of business organization came into existence. At the same time, sources of business finance also came into existence. We all know that after industrial revolution, science or technology mein नए इन्वेंशन आए और प्रोडक्शन के फील्ड में जो बिजनेस यूनिट का जो साइज है वो बढ़ता गया. सो फॉर ईच फंक्शन द नीड्स अराइजेस फॉर डिफरेंट स्पेशलिस्ट. ड्यू टू दिस रीज़न सभी बिजनेस यूनिट में स्पेशलाइजेशन आता गया और फॉर न्यू इन्वेंशन every business unit have more finance because of one group of people or any one person cannot take more risk or cannot take invest more. आप सबको पता होगा कि सबसे पहले अगर कोई छोटी शॉप है तो उसका जो ओनर है उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं. फिर अगर उस शॉप को बढ़ाना है, अगर उस शॉप को बड़े बिजनेस बड़ा शॉप का बड़ा बिजनेस हमें करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पार्टनरशिप हम फॉर्म बनाते हैं. पार्टनरशिप फॉर्म क्यों पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं तो इन्वेस्टमेंट उन सब के बीच में आता है और वो रिस्क है वो सभी पार्टनर्स लेते हैं. फिर पार्टनरशिप फॉर्म के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस है पर वो डिफरेंट बात है, ठीक है. So, company form of business organization need more finance और वो सिर्फ owners fund से possible नहीं है. So, इसके लिए sources of business finance में दो parts है, owners fund and borrowed fund. Meaning of business finance, as per accounting point of view, capital has narrow meaning. But in commerce point of view, capital has wider meaning. Because as per accounting point of view, capital means amount of cash, assets and goods invested in business. But in commerce, the word capital has wider meaning. It includes the amount invested by owner in business and the borrowed funds from different financial sources. Thus, in broad meaning, capital means the funds raised to satisfy the various financial requirement of the business. Why do business need finance? You can see clearly in this picture. For starting up, कोई भी business start करना है तो उसके लिए finance चाहिए. फिर expansion, business जैसे है वैसे तो नहीं रहेगा, उसका हम expansion करेंगे. एक सिटी में ब्रांच है तो एक ही सिटी में अलग अलग ब्रांच बनाएंगे या फिर दूसरे सिटी में भी बनाएंगे. फिर इंटरनल ग्रोथ, बिजनेस के अंदर ही इंटरनल कुछ ग्रोथ करना है तो फिर, या फिर एवरीडे बिल पेमेंट्स, रेगुलर जो भी एक्सपेंस होते हैं, सैलरी वगैरह होता है वो सब है तो वो एवरीडे बिल पेमेंट्स करना होता है तो उसके लिए फाइनेंस ज़रूरी है. फिर टेक ओवर बिड, कोई दूसरी फॉर्म हमें परचेज करनी है तो ये भी एक फाइनेंस की नीड है. फिर रिप्लेस मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कोई भी मशीनरी और इक्विपमेंट है उसको अगर रिप्लेस करना है, मशीनरी और इक्विपमेंट लॉन्ग टर्म तक उसका लॉन्ग टर्म तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं बट थोड़े टाइम के बाद एक टाइम तो आएगा जब उसको हम रिप्लेस करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोडक्शन इतनी अच्छी तरह से नहीं होगा और या फिर टाइम कंज्यूमिंग होगा या फिर कॉस्टली होगा. सो मशीनरी और इक्विपमेंट कॉस्टली भी होते हैं, वो ऐसे तो नहीं होता कि कभी भी हम परचेस कर लें तो उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए. नाउ वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल ईच टॉपिक. फॉर एस्टैब्लिशिंग बिजनेस वेरियस एक्सपेंसेस आर टू बी इनकर्ड टू एस्टैब्लिश द बिजनेस यूनिट.
Capital is required to meet the expenditures like conducting primary and extensive research to prepare documents like certificate of registration, fees of experts in the field of law, registration fees, etc. So, कभी भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो जब उसको एस्टेब्लिश करना है तभी हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए फाइनेंस चाहिए, जो भी हमने एक्सपर्ट रखे हैं उसको फीस पे करनी है, रजिस्ट्रेशन के लिए फीस पे करनी है, तो वो सब एस्टेब्लिशिंग बिजनेस के लिए ज़रूरी है और वो सब करने के लिए फाइनेंस चाहिए. फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, The long term investments made for the assets of the business unit is called fixed assets. In this type of assets, frequent change is not possible. क्योंकि ये fixed assets है. So long term finance in large proportion is needed for acquiring fixed assets like land, building, machinery, vehicles. ये सब business में ज़रूरी है, तो ये purchase करने के लिए finance चाहिए. Third one है for current assets. Working capital is required to carry out daily activities smoothly in the business. Working capital is needed for the purchase of raw material, to pay salary and wages, to make payment for services, assisting trade and to invest in the stock of finished goods. अब current assets means क्या? कि जो हमें, जिसको हम case में जितना हो सके उतना जल्दी convert कर सकते हैं. आप सब ये अकाउंट में पढ़ चुके हैं. तो कोई भी रॉ मटेरियल अगर हमें परचेस करना है तो ऐसा तो नहीं है तो एक बार रॉ मटेरियल परचेस कर लिया तो फिर वो काफ़ी टाइम के बाद नहीं करना होगा, वो तो हमें थोड़े थोड़े दिनों में करना पड़ेगा ना. तो फिर रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए फाइनेंस चाहिए, सैलरी एंड वेजेस पे करने के लिए फाइनेंस चाहिए, कुछ भी सर्विसेज हम दे रहे हैं तो उसके लिए भी फाइनेंस पे करना पड़ रहा है. फिर फिनिश गुड्स का स्टॉक हम रखेंगे ना, ऐसा तो नहीं ना जब ऑर्डर आएगा तभी हम गुड्स प्रिपेयर करेंगे. सो थोड़ा बहुत तो फिनिश गुड्स हमें प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, तो उसका जो स्टॉक मेंटेन करना है उसके लिए भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा. फोर्थ वन है फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांसन ऑफ बिजनेस. कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन लार्ज प्रोपोर्शंस ड्यू टू न्यू इन्वेंशन. For modernization, expansion and to adopt new production technology in the business. For example, अभी आप सबको पता होगा कि ये कोरोना में हम सबको ऑनलाइन एजुकेशन लेना पड़ रहा है, तो सबको सबके पास मोबाइल होना चाहिए और वो भी टेक्नोलॉजी वाला अच्छा मोबाइल होना चाहिए ताकि ऑनलाइन पढ़ सके. तो अगर कोई मोबाइल का शोरूम है या फिर शॉप है तो वो अगर पुराने मोबाइल ही अपनी शॉप में रखेंगे या फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी वाले हैंडसेट अपनी शॉप में नहीं रखेंगे तो क्या उसका उतना वो सेल कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे. उसको जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उस हिसाब से बिजनेस को अपनी बिजनेस में मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो पीछे रह जाएंगे. क्योंकि उस जो भी टेक्नोलॉजी अभी मार्केट की करंट सिचुएशन है उस हिसाब से उसको नए नए चेंजेस लाने पड़ेंगे और उसके लिए फाइनेंस चाहिए. फिफ्थ है फॉर एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट्स. देर आर मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर विच अफेक्ट द बिजनेस यूनिट ड्यू टू विच रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अराइज टू मीट द फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉयज स्ट्राइक, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रेड साइकिल, नेचुरल डिजास्टर्स. गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ चेंज हो गई, जैसे अभी ये GST आया था तब, ठीक है, जब GST आया पहले क्या था, वेट था, वैल्यू एडेड टैक्स, फिर GST आ गया. तो फिर उन सब के लिए सभी जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सबको वो अप्लाई करना पड़ा अपने बिजनेस में, तो उसके लिए उसको कुछ एक्सपेंस हो गए. फिर ट्रेड साइकिल चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है कि वो ही चलता रहता है. तो वो ट्रेड साइकिल में जो भी चेंज आए वो उस हिसाब से हमें बिजनेस में भी करना पड़ता है. सो ये भी एक एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट हुई ना कि कब क्या हो जाए पता नहीं. फिर नेचुरल डिजास्टर, फॉर एग्जांपल जैसे कोई बाढ़ आ गई, ज़्यादा बारिश हुई है, ऐसा कुछ हुआ, तो फिर ये भी एक एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट है, वो कब आ जाए वो कुछ पता नहीं चलता, तो वो कभी भी बिजनेस में हमें फाइनेंस की ज़रूरत रहती है. अभी आप देखो कि अभी कोरोना में काफ़ी बिजनेस ऐसे है जो 2-3 महीने बिल्कुल स्टॉप हो गए थे, तो उसके लिए उसको फाइनेंस चाहिए.
फिर अभी है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, पर इतना नहीं है। तो ये तो किसी को पता नहीं था कि कब ऐसा होगा। तो आपको पता होगा कि काफ़ी बिजनेस ऐसे हैं जो अभी क्लोज हो गए हैं। तो ये सब नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस फॉर्म। फाइनेंस इज सच एन एक्सिस अराउंड विच ऑल फिनेंशियल एक्टिविटीज रोटेट। कैपिटल कैन बी कंपेयर्ड विद द ह्यूमन ब्लड। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल इन बिजनेस यूनिट। टू रन ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑन टाइम अ प्रॉपर फिनेंशियल सिस्टम इज इनइविटेबल। Without capital, transaction of business unit is impossible. Almost of finance is limited and alternatives uses are many. Therefore, the use of funds should be done optimally. हम सबको पता है कि फाइनेंस का जो अमाउंट है वो लिमिटेड है और उसके यूजेस ऑल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपये है तो उसमें से आपको काफ़ी खर्चे करने होते हैं। फिर हम डिसाइड करते हैं कि 100 रुपीज़ में से हम कितना 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 पैसा किस में हम खर्चा करेंगे। ठीक है, और जैसे ह्यूमन बॉडी विदाउट ब्लड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विदाउट ब्लड ह्यूमन कैन नॉट लिव। सेम वे इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल इन बिजनेस यूनिट। ठीक है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट फंड बिजनेस हैज़ टू फेस मैनी डिफिकल्टीज। क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ बिजनेस यूनिट इट इज अफेक्टेड इफ देर इज डिले इन मेकिंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स। समटाइम्स द फॉर्म हैज़ टू इग्नोर द अपॉर्चुनिटी ऑफ हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट्स। ओवरलुक द एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट्स। फेस डिफिकल्टी इन टाइमली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एट्सेट्रा। कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म को इग्नोर करना पड़ता है जिस जो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट मिले। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना फाइनेंस नहीं होता। ठीक है, और फिर कैश डिस्काउंट के भी वो एडवांटेज नहीं ले सकते क्योंकि इतना फाइनेंस ही नहीं होता कि ताकि वो कैश में पे कर सके। फिर रॉ मटेरियल परचेज करना होता है रेगुलर, तो उसमें भी डिफ़िकल्टीज आती है। तो फाइनेंस इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट सफिशियंट फंड बिजनेस हैज़ टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज। नाउ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को हम 3 बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेसिस ऑफ टाइम, बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल, बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। बट इन दिस चैप्टर we will learn basis of ownership and control, owned fund and borrowed fund. Owners fund में क्या है? Equity share, preference share, retain earning और plowing back of profit. Equity share के 3 parts है, ordinary equity share, sweet equity share, other equity share. और preference share में redeemable preference shares to be redeemed before 20 years, redeemable preference shares to be redeemed after 20 years. अब ओनर्स फंड में फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर का मीनिंग द शेयर्स हैविंग लास्ट राइट टू रिसीव डिविडेंड एज वेल एज कैपिटल एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स आर नोन एज इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट राइट मिलता है डिविडेंड में और कैपिटल में। ठीक है, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज ट्रू ओनर्स। ये कंपनी के ट्रू ओनर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कंपैरिजन में। फेथफुल कंपेनियंस होते हैं बिकॉज दे टेक मोर रिस्क देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है राइट टू वोट। इक्विटी होल्डर्स हैव राइट टू कास्ट वोट एज पर शेयर्स हेल्ड बाय देम। शेयर होल्डर्स के पास जितने शेयर्स है उस हिसाब से उसको वोट करने का राइट मिलता है। थर्ड वन है राइट ऑफ डिविडेंड। For such shareholder, the dividend and rate of dividend is not fixed. Dividend or rate of dividend fix नहीं होता। Equity shareholder को dividend और rate of dividend कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सब fix नहीं होता। Fourth है profit related. Dividend receivables to such shareholders is related with profit. Hence, dividend will increase or decrease with profit. प्रॉफिट के साथ इसको इसका रिलेशन है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ और कुछ सरप्लस बचता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद, तभी हमें
तभी हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर सकते हैं। प्रॉफिट के साथ इसमें इंक्रीज और डिक्रीज होगा। फिफ्थ है जनरल मीटिंग। दिस शेयर होल्डर्स हैव राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग, वोट एंड इलेक्ट द डायरेक्टर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को जनरल मीटिंग अटेंड करने का राइट मिलता है, वोट करने का राइट मिलता है, डायरेक्टर्स को चूज करने का राइट मिलता है। सिक्स्थ है रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। जनरली द शेयर कैपिटल इज नॉट रिपेड ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। शेयर कैपिटल को हम कंपनी के एग्जिस्टेंस में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रिपे हो ही जाए, ठीक है, जनरली ना भी होता है। सेवन्थ है डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आफ्टर द रिपेमेंट ऑफ कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कैपिटल इज रिपेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। लिक्विडेशन के वक्त सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाती है और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इफ सरप्लस फंड्स आर अवेलेबल, अदरवाइज नॉट। एट शेयर ऑफ क्वालिफिकेशन। इफ देर इज अ प्रोविजन इन द मेमोरेंडम एंड डायरेक्टर हैव गिवन कंसेंट टू बिकम द इलेक्टेड डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, देन दिस शेयर इज कंसिडर्ड एज शेयर ऑफ क्वालिफिकेशन। मेमोरेंडम में अगर प्रोविज़न है और डायरेक्टर है वो परमिशन देते हैं, तो दैट टाइम दिस शेयर इज़ कंसिडर्ड एज शेयर ऑफ क्वालिफिकेशन। नाइन्थ कैपिटल बेनिफिट। दिस शेयर होल्डर्स रिसीव वेरियस बेनिफिट्स, राइट शेयर, बोनस शेयर, बेनिफिट अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन शेयर प्राइस इन मार्केट एट्सेट्रा, कॉल्ड कैपिटल बेनिफिट्स। अगर मार्केट में शेयर की प्राइस ज़्यादा हुई, अगर वो बढ़ गई तो उसके लिए, शेयर की प्राइस बढ़ गई तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। फिर राइट शेयर, बोनस शेयर, वो सब कैपिटल बेनिफिट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। टेंथ है रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स। दिस टाइप्स ऑफ शेयर्स आर रजिस्टर्ड इन रिकॉग्नाइज्ड शेयर मार्केट, सो परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एट मार्केट प्राइस कैन बी डन फ्रीली। शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होते हैं, ऐसे ही कोई इसका सेल परचेज नहीं कर सकता। सो रजिस्टर्ड होने की वजह से परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स मार्केट प्राइस में इजीली और फ्रीली हो सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। दिस शेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी बिकॉज कंपनी विच रेज शेयर कैपिटल, इट इज़ कंपल्सरी टू इश्यू इक्विटी शेयर्स। And shareholders are true owners of company. Only shareholder bear the risk, real risk of business. Moreover, if the company becomes insolvent or goes into liquidation, then funds realized after selling the assets, then debts are paid, and after that, in the end, they are repaid their capital. The promoters issue these shares to raise the capital, keeping in mind their short-term, medium-term and long-term capital requirements. To raise large capital, the company divides the capital in small parts, that is shares. Such each part is called share. The purchase of share is called shareholders. Only shareholder bear the real risk of business because it is not definite to get dividend, and if receivable, then the rate of dividend is not fixed. Second types of equity share, sweet equity share. Company allots shares to its directors, persons working in company who possess special knowledge, and to employees at discount or without consideration of cash. Such shares are called sweet equity shares. Sweet equity share is one type of gift, you can say that, because company allots shares to its directors, और कोई person है जिसके पास कोई special knowledge है, या फिर कोई employees है जिसको कुछ discounts है, या फिर without consideration of cash ये दिए जाते हैं, तो इसको sweet equity share कहते हैं। Third type of equity share है other equity share. First one is equity share with voting rights, equity share with different rights in relation of dividend and having voting rights. अदर इक्विटी शेयर के दो टाइप्स है, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिसको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, और दूसरे इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिसको वोटिंग राइट्स तो मिलते ही है, बट अलोंग विथ उसको
डिविडेंड भी मिलता है और डिफरेंट राइट्स मिलते हैं। सो दिस आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर एंड अदर इक्विटी शेयर्स। सेकंड ऑनर्स फंड है प्रेफरेंस शेयर। द शेयर्स हैविंग फर्स्ट राइट टू रिसीव डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज प्रॉफिट एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी हैव फर्स्ट राइट फॉर गेटिंग रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। सच शेयर्स आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को सबसे पहले प्रायोरिटी और प्रेफरेंस दिया जाता है डिविडेंड में। कंपनी का जो प्रॉफिट हो सब सबसे पहले राइट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड में। और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन फर्स्ट राइट फॉर गेटिंग रिपेमेंट ऑफ कैपिटल सच शेयर्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फर्स्ट वन इज डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव फर्स्ट राइट टू गेट डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स राइट टू वोट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव राइट टू वोट फॉर मैटर रिलेटिंग टू देयर इंटरेस्ट ओनली। थर्ड वन इज प्रेफरेंस। द इन्वेस्टर्स प्रिफरिंग टू बाई दिस टाइप ऑफ शेयर एज दे लाइक टू हैव अ स्टेडी फिक्स्ड इनकम एंड सिक्योरिटी फॉर देयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स जो फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, जिसको अपनी कैपिटल में सिक्योरिटी चाहिए, वो ही प्रेफरेंस शेयर्स परचेस करने को प्रिफर करते हैं। फोर्थ वन इज मार्केट प्राइस। द प्राइस ऑफ दिस शेयर्स यूजुअली रिमेन स्टेडी। ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट देन देयर मार्केट प्राइस इज चेंजेस। शेयर्स की प्राइस है वो यूजुअली इतनी चेंज नहीं होती। जब मार्केट में कुछ चेंज हो तभी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है। फिफ्थ वन इज़ प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क। इन दिस टाइप ऑफ शेयर्स एज कम्पेयर टू विथ इक्विटी शेयर होल्डर्स द प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क इज लेस ड्यू टू प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर्स से बहुत कम होता है क्योंकि पहली प्रायोरिटी इनको दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैपिटल का रिपेमेंट करने के लिए। सिक्स्थ है रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी आफ्टर रिपेमेंट ऑफ ऑल द लायबिलिटीज। बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटीज़ है कंपनी की सब पे करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स टू गेट रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। सो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी दी जाती है। नाउ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर 20 ईयर्स एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर 20। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। बेसिस ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट वन इज कंपलसरी। इट इज़ कंपलसरी टू इश्यू ईच कंपनी बट इन प्रेफरेंस शेयर इट इज़ नॉट कंपलसरी टू इश्यू सच शेयर बाई ईच कंपनी। Rate of dividend. Rate of dividend is not fixed in equity shares, but rate of dividend is fixed in preference shares. Rights. There is a right to attend company's meeting to vote and elect managers. Equity shareholders को ये right मिलते हैं, जबकि preference shareholders को meeting attend करने का right नहीं मिलता। There is right to vote only in matters related to their interests. रिस्क प्रपोर्शन ऑफ रिस्क इज मोर। इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर में प्रपोर्शन ऑफ रिस्क इज लेस। इन्वेस्टर्स दिस शेयर्स आर प्रिफर्ड मोर बाई इन्वेस्टर्स हु विश टू टेक रिस्क एंड स्पेक्यूलेट इन शेयर्स। दिस शेयर्स आर प्रिफर्ड मोर बाई सच इन्वेस्टर्स हु विश टू गेट फिक्स्ड इनकम एंड सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल। फिक्स्ड इनकम और जिनको सिक्योरिटी चाहिए कैपिटल में, आई ऑलरेडी टोल्ड यू सच शेयर होल्डर्स प्रीफर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सिक्स्थ मार्केट प्राइस। देर इज इंक्रीज डिक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। शेयर में इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है बट प्रेफरेंस शेयर्स में प्रोपोर्शनेटली द प्राइस ऑफ अ शेयर रिमेन फिक्स, नो इंक्रीज डिक्रीज इन मार्केट प्राइस। सेवंथ एडिशन इन कैपिटल। इन दिस टाइप ऑफ शेयर्स कैपिटल कैन बी रेज बाय राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। कैपिटल को हम रेज कर सकते हैं राइट शेयर और बोनस शेयर
थ्रू और प्रेफरेंस शेयर में कैपिटल कैन नॉट बी रेज्ड। नाउ ऑनर्स फंड में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और अब है रिटेन प्रॉफिट और प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ड्यूरिंग साउंड फिनेंशियल पोजिशन कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कंपनी कीप्स सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स इन बिजनेस। फॉर फ्यूचर पेमेंट ऑफ बिजनेस लाइबिलिटीज, दिस रिटेन्ड अर्निंग आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इट इज़ कॉल्ड प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। किसी भी कंपनी की साउंड फिनेंशियल पोजिशन है तभी वो मोर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जितना भी प्रॉफिट हुआ सबको एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, कंपनी कीप्स सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स इन बिजनेस। कंपनी कुछ प्रॉफिट का पार्ट है वो एज अ रिजर्व बिजनेस में रखेंगे। सो कभी भी बिजनेस लाइबिलिटीज फ्यूचर में पे करनी हो या फिर कभी भी कुछ भी हो जाए तो उसके लिए अगर फाइनेंस हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो दिस रिटेन्ड अर्निंग आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जो भी सरप्लस है प्रॉफिट में से उसको री इन्वेस्टेड किया जाता है बिजनेस में। सो इट इज़ कॉल्ड प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। सो इसको प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब इसके एडवांटेजेस है, यूजफुल इन टाइम्स ऑफ रिसेशन, नेगेटिव चेंजेस इन द मार्केट एज वेल एज टू फेस डिफिकल्टीज अराइजिंग इन टाइम्स ऑफ रिसेशन, द रिटेन प्रॉफिट इज वेरी यूजफुल। बिकॉज मार्केट में कभी भी नेगेटिव चेंजेस आ सकते हैं तो इसको फेस करने के लिए ये रिटेन प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है। सो ये इसका एडवांटेज है। सेकेंड वन इज़ यूजफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन, देर इज नीड टू रेज कैपिटल। कंपनी डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज। एवरी टाइम कंपनी कैन नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज, सो कंपनी को खुद का एक ऐसा रिटेन प्रॉफिट रखना पड़ता है जिससे वो बिजनेस यूनिट का डेवलपमेंट कर सके। थर्ड वन इज़ यूजफुल टू परचेज न्यू एसेट्स। एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, द रिटेन प्रॉफिट कैन बी यूज टू परचेज न्यू एसेट्स। कंपनी में जितनी भी मशीनरी होती है वो उसका उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब भी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ ओवर हो जाए तब एसेट्स को न्यू परचेज करना पड़ता है और उसके लिए ज़्यादा फाइनेंस चाहिए। सो ये जो रिटेन प्रॉफिट है उसको हम टू परचेज न्यू एसेट्स कर सकते हैं। फोर्थ है फिक्स डिविडेंड पॉलिसी। व्हेन समटाइम्स कंपनी एडॉप्ट्स अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी देन रिटेन अर्निंग बिकम यूजफुल। कभी क्या होता है कि कंपनी कोई डिविडेंड पॉलिसी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी एडॉप्ट करती है तब रिटेन अर्निंग है वो यूजफुल रहता है, क्योंकि जो भी शेयर होल्डर्स ने शेयर्स परचेस किए हैं वो ये चाहेंगे कि उनकी जो अर्निंग है उनको जो डिविडेंड मिलता है वो मिलता रहे, ठीक है। तो अगर डिविडेंड पॉलिसी को स्टेबल रखना है, ऐसा नहीं कि चलो इस साल ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दिया, फिर अगले साल प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी लॉस में गई तो डिविडेंड नहीं मिला, तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी रखने के लिए रिटेन प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ, बर्डन फ्री एसेट्स एज इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑनरशिप कैपिटल रिटेन प्रॉफिट, देर इज़ नो नीड टू क्रिएट बर्डन ऑन द एसेट्स। अगर रिटेन प्रॉफिट हम नहीं रखते तो फिर क्या होता है कि जब भी ऐसे कोई ज़रूरत हुई या फिर कभी भी कुछ रिक्वायरमेंट हुई फ्यूचर में तो हमें एसेट्स बेचकर फिर जो फाइनेंस आएगा उससे हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। सो रिटेन प्रॉफिट की वजह से एसेट्स है वो बर्डन फ्री रहेंगे। सो इट इज़ एसेंशियल एडवांटेज ऑफ प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। सिक्स्थ, बोरोड कैपिटल कैन बी रिपेड। रिटेन प्रॉफिट्स आर यूजफुल टू रिपे बोरोड कैपिटल।
जो भी हमने बोरोड कैपिटल या टू टाइप्स ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोज फंड्स होता है। सो बोरोड फंड्स किसी और से अगर हमने जो भी अलग अलग फिनेंशियल सोर्सेज से कैपिटल बोरो किया है उसको हम रिपे कर सकते हैं रिटेन प्रॉफिट से। सेवन्थ, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ड्यू टू हैविंग रिटेन प्रॉफिट द बिजनेस यूनिट हैज़ नॉट टू डिपेंड ऑन टू रेज कैपिटल बाय एक्सटर्नल सोर्सेज और नो एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन गेटिंग कैपिटल। थस देयर इज अ डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो बिजनेस यूनिट हैज़ नॉट टू डिपेंड ऑन टू रेज कैपिटल बाय एक्सटर्नल सोर्सेज। हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहे। सो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर टू गेटिंग कैपिटल, टू गेट कैपिटल इज मोर। लास्ट एडवांटेज इज ऑनर्स फंड। प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज एन ऑनर्स फंड, सो देर इज़ नो नीड टू पे इंटरेस्ट, क्योंकि ये खुद का फंड है तो इसमें कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं होता। अगर बोरोड फंड होता है तो उसमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सो ये 8 रिटेन प्रॉफिट के एडवांटेजेस है। एवरी कॉइन हैव टू साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो अभी तक हमने एडवांटेज सीखे, अब हम लिमिटेशंस। फर्स्ट इज इनकरेजमेंट टू मोनोपोली। एक्सेसिव प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट इनकरेज मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स क्या, आप सब ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि मोनोपोली मीन्स क्या, कि सिर्फ एक ही बिजनेस यूनिट है, सब उसका ही परचेज करते हैं क्योंकि और कोई उसकी कॉम्पिटिशन में नहीं आ सकता। सो ड्यू टू रिटेन प्रॉफिट और प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट से मोनोपोली को इनकरेजमेंट मिलता है। जो जो बिजनेस है वो फिनेंशियली साउंड है, जिसकी पोजीशन फिनेंशियली साउंड है वो मोनोपोली क्रिएट करेगा। ठीक है, सो ये इसका लिमिटेशन है। सेकंड, प्रमोट स्पेकुलेशन। मेनी टाइम्स मैनेजर्स ऑफ बिजनेस बाय पेइंग लेस डिविडेंड कैरी एक्सेस प्रॉफिट्स टू रिजर्व फंड। एज अ रिजल्ट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिक्रीज। At this time, directors buy the shares and in future they declare higher dividends. And when market price of share increase, then by selling such share at higher price, they derive personal profit. तो काफ़ी बार कैसा होता है कि मैंने बिजनेस के जो मैनेजर है वो डिविडेंड लेस पे करते हैं। अगर डिविडेंड लेस पे करें तो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट का पार्ट है उसको रिजर्व फंड में रिजर्व रखते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है कि शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। और एट दिस टाइम डायरेक्टर्स बाय द शेयर्स एंड इन फ्यूचर दे डिक्लेयर हायर डिविडेंड्स। डायरेक्टर्स क्या करते हैं कि वो शेयर्स को परचेस करते हैं और फ्यूचर में डिविडेंड हायर पे करते हैं, और उसकी वजह से शेयर की मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाती है, फिर उसको सेल कर देते हैं हायर प्राइस से, और इसकी वजह से क्या होता है कि उनको पर्सनल प्रॉफिट मिलता है, बिजनेस को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये क्या है कि ये प्रमोट स्पेक्युलेशन। इससे क्या होता है, स्पेक्युलेशन को प्रमोशन मिलता है। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो डिक्रीज इंक्रीज में जो करते हैं उसको रिजर्व फंड में ज़्यादा प्रॉफिट्स रख के, उसकी वजह से ऐसा होता है। सो ये रिटेन प्रॉफिट का एक लिमिटेशन है। थर्ड वन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर फिनेंशियली वीक एंड फॉर न्यू कंपनीज। प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल फॉर फिनेंशियली वीक एंड ऑल्सो फॉर न्यू कंपनी। जो बिजनेस है वो फिनेंशियली वीक है या फिर वो जो न्यू कंपनी है उसके पास इतना एक्सेस प्रॉफिट नहीं होता, इतना सरप्लस नहीं होता कि वो रिजर्व रख सके, रिजर्व फंड क्रिएट कर सके। सो ये जो वीक फिनेंशियली वीक कंपनी है या फिर न्यू कंपनी है उसके लिए ये लिमिटेशन है। फोर्थ है, नो बेनिफिट टू स्मॉल इन्वेस्टर्स। स्मॉल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन बिजनेस यूनिट फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर डिविडेंड। ज़्यादा डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन के लिए ही वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है,
If directors prefer plow back profit more necessary, then small investors do not get sufficient dividend. स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो तो यही चाहेंगे कि उसको डिविडेंड मिले और ज़्यादा डिविडेंड मिले, पर अगर डायरेक्टर्स ये चाहे कि डिविडेंड कम इन्वेस्टर्स को दिया जाए और प्रॉफिट को प्लाव बैक किया जाए, सो इससे क्या होगा कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को डिविडेंड सफिशियंट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। सो स्मॉल इन्वेस्टर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। Now retained earning topic is over. We will continue second part of chapter 8 in next lecture. I hope you all understand and enjoy the topic well. Thank you. Take care.